करूँगा सर्च नाम ये है ना। राइट पे जा रहे हो? हाँ अभी एक फ्रेंड भी है उसको भी उठाना है। आप कहाँ सिरदाबाद साइड? नहीं हम आज साइड इस साइड जाएंगे, अभी प्लान बना नहीं, रिहाड़ी में। मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ, वो पैराग्लाइडिंग हो रही है जम्मू में। कहाँ पे? ये हो रही है एंथम में, जहाँ मैगी पॉइंट है ना, सुरेश्वर के रस्ते में। वहाँ नहीं 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 बाइक ये नहीं, एग्जॉस्ट है, सेम है। हाँ ये वहीं से कुंदन भैया की दुकान से, घूमट है ये। हाँ जी चैनल का ये उर्नेश अपने नाम से बोला है, उर्नेश कुमार भारद्वाज आपका। ये तो इंस्टा है ना, यूट्यूब? मैंने आज मेरी फर्स्ट डे व्लॉग किया। अच्छा अच्छा, नहीं मेरे को भी 5 महीने हो गए शायद। हाँ जी ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके भैया, थैंक यू। गाड़ी आ रहा है? हाँ गाड़ी आ रहे हो आप? हाँ हाँ आ जाओ। नहीं एक बंदा मैंने यहाँ पास से उठाना है, उसको 5 मिनट लगेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, ओके ओके ओके, कर देना बात ही। ओके भैया, थैंक यू भैया। अभी मैं घर से निकला ही था, ये राइडर भी जा रहे हैं कहीं पे, तो इनका नाम वगैरह तो आ गया होगा यहाँ पे, मैं चेक कर लूँगा घर जाके। अभी आए हैं मोहित भैया के पास, उन्होंने बोला 5 मिनट लगेंगे, तो देखते हैं उनको लेते हैं तो फिर चलते हैं कहीं। आ गया मोहित भैया, आयो आयो यार, ये पहन लो, कैमरा लाया हूँ मैं, फ़ोटो खिंचा लेंगे, ये पहन लो। वो पहन लो, आयो बैठो। अभी 2 राइडर मिले, मिला उनसे, नाम उनके वीडियो में आए होंगे, घर जाके देखूँगा। पीछे से ही आ रहे थे वो, दी RS 202। ओके तो वैसे भी निकल रहे हैं, अब मिलते हैं आगे। ओके तो गाइस फ्यूलिंग हो गई है, अभी निकल रहे हैं। ओके गाइस पहुंच गए सिद्धड़ा ब्रिज पे, ये देख सकते हैं आप नीचे तभी। ओके गाइस अभी पकड़ लिया बजाजते वाला रोड, क्योंकि यहीं से होके हमने पहुंचना है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। पुल पे हम पहुंच गए हैं, और जो पैराग्लाइडिंग होती है उसका लैंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ कहीं लैंड होते हैं वो। तो अगर आज हो रही होगी पैराग्लाइडिंग तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिखी जाएगा हमें, और स्टार्टिंग पॉइंट शायद वो है, लेकिन यहाँ कुछ वैसा माहौल मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है। भाई लस्सी होगी, फ्लाई भी अब लस्सी। हाँ 2 मिनट यहीं पर बाइक लगाते हैं, पूरा एम्प्टी दिख रहा है। हाँ कोई नहीं है, अभी तो पुल पर रुका हूँ, बाइक लगी है पीछे, और अभी वही देख रहे थे क्योंकि अगर पैराग्लाइडिंग हो रही होगी तो लैंडिंग तो यही होगी ना, हमें दिख जाएगा हो रही है कि नहीं। अभी तक तो कुछ वैसा माहौल दिखा नहीं है, पता नहीं चल रहा हो रही है कि नहीं हो रही, फिर भी हाँ बजालता ही अभी पुल पे खड़े हैं। तो अभी फिर चलते हैं आगे, अब यहाँ खड़े होके क्या करना है, ऐसे से तो हम उड़ने नहीं वाले। अभी चलो फिर चलते हैं और देख ही लेते हैं हो रही है कि नहीं हो रही, जो भी होगा देखा जाएगा अब, पर देखना ज़रूर है कि हो रही है कि नहीं। चलो चलते हैं अब सीधा, अभी जा रहे हैं आगे, और उम्मीद तो यही है कि पैराग्लाइडिंग हो रही हो, क्योंकि मूड है करने का, तो और आधे रास्ते से मुड़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ तक आए हैं तो देख ही आते हैं क्या सीन है वहाँ पे क्या नहीं। चलो अभी चलते हैं, फिर रास्ते में बीच बीच में मिलेंगे और फिर सीधा मेन वहीं पर मिलेंगे, बातचीत वहीं पर करेंगे आप। ओके पैराग्लाइडिंग में बंदे नीचे थोड़ी बस में आएंगे, ऊपर बस में जाएंगे, नीचे तो उड़ते हुए आएंगे। इस रास्ते में मुझे ये जगह बड़ी प्यारी लगती है, पर दुख भी होता कि पहाड़ काट दिया, पर फिर भी चलो अच्छी भी लगती है। अभी बीच में निकल रहे हैं पहाड़ के, और ये जो लगे हैं ये मैराथन हुई थी ना उसके बोर्ड लगे हैं। आप क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ पुराना रास्ता ये था पहले, क्या करना है हमने? हाँ वो तो पता है, इस पहाड़ के पीछे से आते थे पहले वाले, अब काट दिया है पहाड़ ही, दूर नहीं रह गया, बस पहुंचने ही वाले हैं। देखो ये लगा बंद रखा है, मुझे लग रहा है यार है नहीं देखो। हाँ कुछ है ही नहीं, क्या बंद है। ओके सो गाइस अभी पहुंच गए हम। हाँ
ये भी खत्म होगी। चलो ओके तो गाइस अभी पहुंच गया पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे, वो सामने मैगी पॉइंट, वो तो बड़ा पुराना है सबको पता, और मैगी पॉइंट से थोड़ा सा पहले बोर्ड ही उल्टी साइड रखा है ना, इसलिए ध्यान नहीं जाता यहाँ पे। पहले ये पढ़ लेते हैं जो यहाँ लिखा है, हाई अल्टीट्यूड एडवेंचर स्कूल प्राइडर स्पोर्ट बाय दे कंडक्टेड बाय दिस दिस दिस, तो रजिस्टर यूर सेल्फ ऑन, अच्छा 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 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, 11 दिसंबर, टाइमिंग 10 AM ऑनवर्ड, तो ये कुछ लगा। और ये बोर्ड मैंने एक बार पहले भी देखा है इसलिए मुझे पता था कहाँ होती है, ये बोर्ड पहले से था, इस पर स्टिकर नहीं लगाए हैं खाली, तो चलो देख ही आते हैं कहाँ से करना है। हाँ हाँ लॉक किया हुआ है, बाइक छोड़ो लॉक है वो, तो गाइस जय माता दी। तो चलते हैं अभी देखते हैं कहाँ से करते हैं, देख ही आते हैं, हो तो नहीं रही आज इतना मुझे लग गया पता, क्योंकि ना उनकी बस है ना उनका कोई बंदा है। अब हम चलते हैं उल्टे सीधे रास्तों से, हम चल पड़े हैं पैराग्लाइडिंग पे। वैसे तुम्हारा भाई यहाँ पहले भी आया हुआ एक बारी, जब यहाँ कुछ भी नहीं होता था मैं फिर भी आया था एक बारी, फिर मुझे लगा था मुझे कहीं शेर चीता नहीं खा जाए यहाँ पे, वापस आ गया था। लेकिन अब इन्होंने ये रेड वाले रिबन लगाए शायद निशानी, हाँ ये रिबन है, इसके आगे वो है, ऐसे ऐसे करके हमें रास्ता समझ आ जाएगा, हाँ ये रिबन बांधे हुए हैं। चलो अब चलते जाते हैं रिबन के पीछे पीछे, क्या बता अब कहाँ पहुँचेंगे, और ही होती तो मज़ा आया था यार, इतना मन था, मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि वीकेंड पे होता है सैटरडे संडे, मैं तो यही सोच के आया था कि आज हो रहा ही होगा। एक रिबन ये आ गया, हाँ शेर आया, शेर अब नहीं आता, शेर पिछली बार डर गया था मैं, अब नहीं आता, आ गया चलो चलो आ गया तो खा जाएगा और क्या, मुझे मुझे शेर से जल्दी नहीं भागना, मुझे बस आपसे जल्दी भागना है ना, रास्ता है नहीं जबरदस्ती है, देखो भैया यार रिबन तो खत्म हो गया, अब क्या मजा यार, रिबन तो खत्म हो गए, रिबन भी खत्म हो गए, ये है पाइप पे, पाइप पे है, हमने सोचा कि रिबन ही खत्म हो गया, रिबन लगे हैं, इन्होंने रास्ता हमारे जम्मू वालों ने। अब चलते हैं पाइप के पीछे पीछे चलते हैं, और क्या हो सकता है, बड़ी दूर है, टेंशन नहीं लो अभी बड़ा चलना है। ये रिबन पेड़ पे लगा हुआ देखो, अब रिबन उस पेड़ पे लगा, ये रास्ता रास्ता दिख सो रहा है, यही रास्ता यार, ये रिबन, अब चलो रिबन ढूंढते हैं, और रिबन मिल गया, वो है रास्ता, देखो गाइस जंगल के बीचों बीच, शुक्र है इन्होंने रिबन लगाया वरना ऐसे तो नहीं पहुंच पाते। वो बेटा जी मौज कर दी, मौज तो ठीक ठाक हो रही है, आप देख सकते कितनी सांस चढ़ गई हमें, आजकल के हम नौजवान हमें सांस चढ़ जाती है, हाँ लॉकडाउन में अंदर बैठ बैठ के हम हो गए सुस्त, अंदर बैठ बैठ के ही होता है, बाहर की हवा खाने लगी, चलो अभी निकलने लगे हैं, आ जाएगी वापस चुस्ती, अगले रिबन पे मिलते हैं अब। अब रिबन इन्होंने वहां बांधा, इसका क्या मतलब है, तार के उस साइड से जाना है इधर से ही जाना है, हां तार की साइड ही जाना भाई, है ना, इधर ही होगा, यही होगा, और यहां से तो जैसा व्यू दिख रहा है पैराग्लाइडिंग के टाइम इतना ही दिखेगा, ऐसा कुछ रास्ता है तो आपके सामने सब कुछ है, और भैया भी व्लॉग बना रहे हैं अब, मैं भी व्लॉग पे आ गया भाई, रुके वो कहां से, घर है घर है, झंडे लगे यार, घर है घर, घर नीचे नहीं गिर जाना, इधर देखो सीधा एक ही बारी नॉन स्टॉप, वो वहां पे आना, वो कहां पे, ओ नहीं यार रिबन खत्म हो गए, क्या बात कर रहे हो, मेरे को लग रहा है इसके ऊपर ही चढ़ना है, जाना था है ना, हां वो सबसे ऊपर वाली पहाड़ी साफ सुथरी है ना, वहीं पे जाना है, वो डंडे दिख रहे हैं, हां अच्छा वो रिबन ऊपर लगा, वो हिल रहा है, हां क्या है यार, गलत पॉपट हो गया, गलत रास्ते पे आ गया, थोड़ा सा ही वापस जाना, ये यहाँ से सीधा पार हो जाते हैं, टपते हैं इसको है? ये टपते हैं, आओ मेरे पीछे पीछे, बस गिरना नहीं बाकी ठीक है, ये मेरा गाइडर जा रहा भाई है, हाँ हमने बड़ी ट्रैकिंग की है, जूते में आज गलत पहन के हैं वो अलग बात है, लेकिन ट्रैकिंग बड़ी की है, देखो मैंने भी गलत शूज पहने हैं, आप तो बाइकर, 300 वाले बूट है, आप तो बाइकर पहन गए, यहाँ पे 300 वाले बूट चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे ब्रांड नहीं चलते, ये देखो सीधी खाई, पर ऑप्शन बहुत गलत है, उठाया काम खराब हो जाएगा, ये रिस्क मत उठा भाई,
ठीक है, नीचे चलते हैं। चलते हैं यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है जी, भैया ने बोला रिस्क नहीं उठाना। अगर गिर गए ना इधर ही पहुँचाना हमारे साथ, वो दबंग वाला सीन हो जाएगा। सांस सांस ले और ओ बहन जो वाला सीन हो जाएगा हमारे साथ। नीचे जाना पड़े, इधर से निकल, इधर से, इधर से क्या रुक जा, रुक आगे कांटे हैं। यहाँ से निकल अंदर, यहाँ से अंदर हो जाऊँ। हेलमेट खोल ले, ये ऊपर खींचो उसको थोड़ा। वो आज केड़े एडवेंचर कर रहे हैं, हम बाइकर हैं, हम क्या हैं? बाइकर में हर क्वालिटी होनी चाहिए भाई। हाँ देख लो बाइकर बाइकर में हर की क्वालिटी होती है। अब मैं जाऊंगा। हाँ वाओ भाई, मेरी वजह कोई सुन मत कर देना। नहीं करता, निकल के निकल के निकल के ऊपर 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 पुश हुआ भाई। ठीक है, रिबन वो था ना, आओ रिबन वो था नीचे। हाँ वाओ, अब हम ऊपर चले गए, ज़्यादा वापस नहीं आना पड़ा गाइस, थोड़ा सा ही वापस आना पड़ा। ये रिबन है ना, अब यहाँ से जाना है बस। हम नीचे हो गए थे ना, पर जाना ऊपर है। ये लगा रिबन एक और, ये सब सही रास्ता है। हम सही रास्ते पे आ गए। ये रिबन नहीं होते ना, हम नहीं पहुंच पाते कभी भी। सही बात है भाई, रिबन ने बचा दिया। हाँ आप भी अगर आ रहे हो तो रिबन को फॉलो करो, पहुंच जाओगे। सही बात है। और सिर्फ ऊंचाई वाला रास्ता पकड़ना, जो रास्ता नीचे जा रहा होगा वो नहीं पकड़ना, जो ऊपर जा रहा होगा वही पकड़ना। पहली बात तो आप रिबन को देखो, यहाँ पे तो सीधा सामने की तरह सेम इक्वली है ये रिबन। चलो अगले रिबन में मिलते हैं। अब रास्ते का बेड़ा घर को तैयार है। भैया आवाज नहीं आ रही, बेहोश नहीं हो गए? आगे रिबन वो लटक रहा दिख गया। कितनी हाइट पे आ गए हम देखो। वो दिख रहा है व्यू पॉइंट, वहां से शुरू किया था ये रिबन। अब यहाँ जाना होगा, तो यहाँ रास्ता ये है, पर ये डाउन जा रहा, डाउन जाना ही नहीं है। यहाँ से आओ, जाली टूटी हुई है, जाली पार करो। ये रहा रिबन, हमेशा सीधे रास्ते पे भी नहीं जाना, बस देखना रिबन दिख जाए अगला। कुत्ते वाला सांस चढ़ गई, आप सुन ही रहे होगे। इतना चढ़ने के बाद ही पैराग्लाइडिंग नहीं कर पाएंगे हम। वो कौन कुके मार रहे हैं, कहाँ चढ़े हुए हैं वो लोग? वो देखो वो नीचे बढ़ के मार रहे हैं। आ जाओ, ये रिबन अगला। चंगा ट्रेजर हंट हो रहा आज, रास्ता बहुत खराब है। वैसे स्लिप हो गया ना, सीधा बंदा जाएगा रोड होता हुआ, और ये काम नहीं करने हैं यहाँ के। पहाड़ के टॉप पे ये देखो, ओ भाई यूके क्या हो गया, मजा आ रहा है। यूके बढ़ के मार रहे कैसे? ओ भाई, ओ आगे नहीं चल जाना, वापिस आने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ देखो सीधा नीचे ही आ, उसने फिर से राउंड टर्न लिया। हाँ पर रास्ता बहुत खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक रास्ता, खतरनाक हो गया। पैराग्लाइडिंग से ज़्यादा रिस्की रास्ता है यहाँ का भाई ये तो। ये मैं दिखा रहा था ना आपको, ये दो दिख रही हैं, देखो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, यहीं से हो रहा है। ये पॉइंट है, मिल गया, मैंने वीडियो देखी थी। आ जाओ, मिल गया मिल गया मिल गया। यहाँ से होती है जी पैराग्लाइडिंग जम्मू में। वो पुल है जहाँ मैं खड़ा था और आपको बोल रहा था कि ये जो दो ये और ये टंकियाँ दिखा रहा था मैं आपको, कि यहाँ कहीं से पैराग्लाइडिंग होती है, और यहाँ हम फाइनली पहुँच गए। और अब मैं यहाँ टंकियों के पास खड़ा हूँ, आपको पुल दिखा रहा हूँ कि वहाँ मैं खड़ा था। यहाँ से होती है, ठीक है, यहाँ से तुमको बांधते हैं यहाँ कहीं से, फिर उसके बाद दौड़ना होता है यहाँ से। क्या चढ़ते हैं, चढ़ते रुक जाओ, यहाँ से फिर दौड़ते हैं और उसमें हवा भरती है और तुम हो जाते हवा में। क्या? ये बड़ा गलत काम है, बोतलें ये देखो ये हमारे जम्मू है। हाँ बोतल बचाओ एक तरफ से, तो फिर लोग बोलते क्या बचाना है, पहले पहले रोटी खा लेते बचाते बाद में। बहुत अच्छी कंडीशन है। पैराग्लाइडिंग तो आपको दिखा नहीं पाया मैं, क्योंकि हो ही नहीं रही है, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। पर आपको स्पॉट दिखा दिया, कहाँ से शुरू होती है वो दिखा दिया, यहाँ तक कैसे पहुँचना वो दिखा दिया, और यहाँ पे क्या माहौल है ये भी दिखा दिया। क्या कर सकते हैं अब, नहीं वैसे काफ़ी हाइट है ना, दौड़ते टाइम डर लगेगा, हमें टांगे काम जाएंगी।
टांगे के लाते नीचे रह जाएंगे। पूरा बंदा काम जाएगा यहाँ वैसे, इतना भी थोड़ा दम रखना पड़ेगा। इजीली कुछ भी नहीं यहाँ पे। ये पत्थर, ये किस हिसाब के पत्थर हैं? खुद डिजाइन बनाया क्या? ये गॉड गिफ्टेड है। सही में ऐसे पूरे जैसे टाइलें डली हुई हैं? ये गॉड आर्ट है। भगवान का बंदा। ये गायें इतनी ऊपर कैसे आई? ये पहाड़ी गायें ना। ओके सो गाइस, अभी जो फुटेज देखी वो सारी गोप्रो में थी। अब आया हूँ मैं फ़ोन पे, क्योंकि ट्रांसफ़र के टाइम कभी कभी कोई फाइल डिलीट हो जाती है। तो अभी मैं खड़ा हूँ उसी रैंप पे जहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये देखो ये पूरा स्लांट में, यहाँ से दौड़ना आता है फिर आप हवा में, और लैंडिंग होती है वहाँ, ये यहाँ। और यहाँ एक मैंने वीडियो देखी थी, बंदा किस्त हो गया था, ये शायद उसी की लकीर पड़ी है, मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ऐसे घिसता हुआ गया यहाँ तक, फिर यहाँ से, हाँ यहाँ से फिर हो गया होगा कैसी। हाँ तो ऐसा तो अच्छी बात ही हो गया। मैंने देखी पूरी वीडियो, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। ये रन अप यहाँ से लेना है, बाकी पूरा जंगल है, चढ़ाई जैसी है मैंने आपको दिखा दी। और ये देखो मैं साइड से दिखाता हूँ, भैया यहीं खड़े रहना आप, ये साइड से दिखा रहा हूँ कितना स्लांट है। ये देखो कितने एंगल में खड़े हैं, और ये नीचे तक है, यहाँ तक, यहाँ से मतलब किसी का फ्लो बन गया ना, उसकी ब्रेक नहीं लगती। टाटा बाय बाय, गुड बाय। तो यही कुछ सीन है यहाँ का। और कुछ रजिस्ट्रेशन शायद ऑनलाइन होती है इसकी, वहाँ कुछ बोर्ड लगे थे वो पढ़े मैंने, और वीडियो में भी डाले आप भी देख सकते हो। आज हो रही होती तो हम भी सोच के तो ये आए थे कि करेंगे, और मैं नीचे देख के इसलिए चल रहा हूँ, कैमरा कम देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से फ्लो बन गया ना, फिर रुकेगा नहीं, फिर चाहे मैं बैठूँ चाहे लेटूँ जाके ही रहूँगा फिर। फिर तो लेटना ही है। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, कैमरा भी हम लाए हैं, थोड़े फोटो खिंचाएंगे। चलो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ी हवा शवा ताज़ी हवा लेंगे जंगल में, उसके बाद फिर निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद थोड़ा हाईवे घूम लेते हैं। संडे है ना आज, तो अच्छी तरह यूज़ करते हैं उसको। चलो फिर थोड़ी देर बैठते हैं, फोटो वोटो खींचते हैं। फोटो इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं अपने इंस्टा का, देख सकते हो आप वो भी। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। चलो जी चल रहा थोड़ा, वो फोटो वहाँ से खींच रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा था। नहीं नहीं मास्क पहना भाई, कोई शक्ल नहीं है, करो ऑन दिखाओ। यही है, फोटो शोटो खींच लिए और बहुत ज़बरदस्त आए हैं मेरे भी और इनके भी। और अभी निकल रहे हैं यहाँ से, बाय बाय कर देते हैं जगह को, कूके मार लेते हैं यहाँ पे क्योंकि मज़ा आ रहा है। तो पैराग्लाइडिंग फिर से ही, आज तो हो नहीं रही फिर कभी सही। घूमे अभी हाईवे जाएंगे, वहाँ भी क्या पता और राइडर मिले। हाँ, क्या तो पता? चलते हैं क्या और, पता कोई भी मिल जाए। अभी हमने वहाँ तक तो जाना है, वो मैगी मार्ट दिख रहा है, मैगी खाएं? इधर की मैगी 10 रुपए की है, 5 रुपए की मिलनी है हम वो लेके ना। मैगी पॉइंट वहाँ तक अभी जाना, हमने रास्ता आपको दिखा दिया, तो जाते टाइम में ज्यादा दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं, अभी जा रहे हैं ना। सबसे खतरनाक पैच ये इतना सा है, एक तो इतना टेढ़ा, दूसरा सीधा स्ट्रेट खाई है, और यहाँ है रेत भी वो वाली है, ये पूरी स्लिपरी। ये मेरे को लग रहा है जल्दी बंद हो जाइए, एक दो बंदा लुड़का यहाँ से। तो मेरे को तो आधा किलोमीटर लग रहा है, आपको 1 किलोमीटर लग रहा है, पता नहीं कितना है। 50 मीटर कवर किया अभी पीछे। हाँ यार बड़ी नीचे आना ऐसे लग रहा है, एक तो होगा होगा, एक नहीं तो 700-800 मीटर होगा होगा। हाँ इतना हो सकता है। अभी जा रहे हैं वापिस, अब थोड़ा रास्ता याद हो गया। हाँ लगेगी लुड़की अभी। ना 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 कुछ नहीं लेना। भाई भाई भाई